देखिए एक गृहस्थ में और एक भृत्य में कितना अंतर है। एक राजा ने अपने कोष को संभालने वाले व्यक्ति को पूछा कि धन कितना है। जवाब दिया, राजा साहब इतना धन है कि 3 पीढ़ियां बैठकर खाती रहेंगी, जिनको कमाना नहीं पड़ेगा। राजा मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ा, पागल हो गया कि 3 के लिए तो है चौथी का क्या होगा। राजा कपड़े फाड़ने लगा। रानी बड़ी परेशान थी। तब तक कोई व्यक्ति आया और उसने कहा, यहां से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसे महात्मा जी रहते हैं, वो पागलों का इलाज करते हैं, क्यों नहीं राजा साहब को वहां ले जाया जाए। रानी ने बैलगाड़ी सजवाई, उस समय बैलगाड़ी होती थी, राजा को उसमें लिटाया और उस महात्मा के पास पहुंचे। संध्या का सूरस्त हो चुका था। साधु ने सबको जल के लिए पूछा, बैठने को जगह दी। महारानी ने चढ़ वंदन किया, कहा गुरुजी ये थोड़ा दिमाग से कुछ ऐसी स्थिति हो गई, और राजा चिल्ला ही रहा था कि 3 पीढ़ी के लिए तो है चौथी का क्या होगा। साधु ने कहा, अपने चेले को शीघ्र ही रसोई में देखो, भोजन की व्यवस्था करो, और ये बिना भोजन किए नहीं जाएंगे। चेले ने जाके देखा, लौट के आया, गुरुजी ने कहा व्यवस्था है। तो चेले ने कहा, गुरुजी अभी के लिए तो है पर सुबह के लिए नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना बात को। तो महारानी बोली, गुरुजी हम 7 गाड़ियां अन्न की लाद करके लाए हैं और उनको कहां खाली करना है बता दीजिए। गुरुजी ने कहा, देवी हमें तुम्हारी अन्न से भरी हुई गाड़ियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए हमारी रसोई में पर्याप्त अन्न है। रानी ने कहा, अभी के लिए ही तो है, सुबह के लिए तो नहीं है। तब महात्मा ने कहा, जिस परमात्मा ने अभी शाम की व्यवस्था की है, वो कल की भी व्यवस्था अपने आप करेगा। मूर्छित पड़ा हुआ राजा खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके चरण छुए, कहा गुरुदेव मुझे 3 पीढ़ी आगे तक की चिंता है और आपको सुबह की चिंता नहीं है। साधु ने कहा, बेटे हम लोगों के अंदर अपरग्रह नाम की चीज है, हम लोग संग्रह नहीं करते। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा में कहा गया है, एक मधुमक्खी जब छत्ता इकट्ठा शहद इकट्ठा करती है और एक मधुआरा चल करके आता है और शहद को निकाल करके ले जाता है, वो बिड़बड़ा करके रोती है, मरती है और बड़े हुए कष्ट में होती है। और जिन्होंने 2 नंबर से बेईमानी से अन्याय और अपराध के द्वारा जो धन का संचय किया है, धन इकट्ठा किया है, सूत शौनकषियों को कहते हैं, इनमें उनकी गति तो है नहीं किसी भी प्रकार की, उनको मत्था फोड़ फोड़ करके रोना पड़ता है। और हे महात्माओं, अंत में उस जीव की दुर्गति ही होती है। इसलिए व्यक्ति को ये योग धर्म का 5वां सूत्र है, कोई भी चीज हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा ना हो। आजकल कीड़ों ने माताओं की साड़ियां काटना बंद कर दिया है, ये तो आपको बताया, पहले कपूर की गोली लगाती थी, वो कहते हैं कितनी साड़ियां काटे हैं, अब उन कीड़ों के भी दांत टूट गए हैं, कपूर की गोली भी अब अपना प्रभाव नहीं दिखा रही है। एक बात देखिए, मैं आपको कोई संख्या कम नहीं करना चाहता हूं कि कल से आपका पांडाल खाली रहे, मेरा ऐसा मकसद नहीं है, फिर भी इतना तो हमने देखा है, 1 महीने में दिन 30 होते हैं, ऐसी कोई मां आप में नहीं होगी जिसके पास 35 साड़ी ना हो। पूरे घर में देखा जाए तो 35 साड़ी मिल जाएगी। जब किसी शादी में जाना होगा तब एक बार जरूर बोलेगी, हमारे पास तो कछु हतु ही ना है, कापे रखे जावे। अपग्रह किसी भी चीज का संचय, हमारे ग्रंथों ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है। और योग धर्म के यम का ये 5वां लक्षण है जिसका नाम है अपग्रह, जरूरत से ज्यादा संचय।